रेसलमेनिया होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी है और आप सब लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रोमन वर्सेस कोडी के मैच की पॉसिबल एंडिंग क्या होने वाली है। तो गाइस मेरा नाम है शाकिब और आप सभी लोग देख रहे हो री रेसल वाला हिंदी। बात करते हैं फिर रोमन वर्सेस कोडी के मैच की पॉसिबल एंडिंग क्या होने वाली है। हम सब बहुत ज्यादा हाइप है कि यार इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी एंडिंग निकाली जो भी हो सकती है रेसलमेनिया 39 में। ठीक है, सारी चीजों को मैंने नोट्स कर लिया है तो आप लोगों को मैं सारी एंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बैटिंग ओड्स देखेंगे कि बैटिंग ओड्स का क्या मानना है। बैटिंग को अगर हम लोग देखें तो यार रोमन एक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स समझ रहे हो ना, और कोडी रोड्स इस मैच को बहुत इजीली जीतने वाले। तो देखो रोमन के फैन रुक जाओ। तो जो सबसे पहली एंडिंग है वो ऐसे रहेगी। तो रोमन एक्स और कोडी का मैच मान लो 10 से 15 मिनट बिल्कुल स्लोली जाएगा, फिर धीरे धीरे उनके मैच में पेस पकड़ेगा। पेस पकड़ने के बाद गाइस सीक्वेंस स्टार्ट होंगे और रोमन के फैंस के जो दिल की धड़कन है यार वो तेज हो रही होगी, क्योंकि रोमन एक्स 2.999 पे किक आउट कर रहे होंगे। और भाई रोमन एक्स के मैच में आप लोगों को पता है उसोस का सबसे बड़ा हाथ होता है, तो रोमन और कोडी के मैच में उसोस आएंगे और उसोस जब इंटरफेयर करेंगे तो उसोस को रोकने सैमी ज़ेन और केविन ओवंस आएंगे। और तो आप लोगों को पता है फिर उसोस जब इंटरफेयर करेंगे तो कोडी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सैमी ज़ेन और फिर उसोस आपस में वो हो जाएंगे कोलाइड, उसके बाद रोमन पीछे से स्पेयर लगा देंगे और कोडी रोमन एक जीत जाएंगे। उसके बाद गाइस भले ही हम रोमन के फैंस खुश हो जाएंगे लेकिन यार पर्सनली बताऊं तो यार इस तरीके से अगर मैच की एंडिंग निकलेगी तो भाई यार हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये थी आपकी पॉसिबल एंडिंग जो कि पहली जो कि सबसे बेकार है, और इस एंडिंग को हम लोग तो दूसरी पॉसिबल एंडिंग के बारे में बात करते हैं जो कि इससे थोड़ी अच्छी है। तो दूसरी एंडिंग में यार ये हो सकता है कि रोमन कोडी को क्लियरली हरा दे और कोडी भी रोमन को क्लियरली हरा दे, इन दोनों में से एक दूसरे को कोई भी क्लियरली हरा देगा। तो तीसरी और लास्ट और फाइनल एंडिंग की तरफ चलते जो कि मेरे को लगता है कि इसके होने के चांसेस 50% है। तो सोर्सेस का मानना गाइस ऐसा है कि रोमन और कोडी रोड्स का मैच जैसे कि आपने सुना होगा 30 मिनट्स तक जाएगा। तो 30 मिनट्स गाइस आप लोगों को पता बहुत बड़ा नंबर होता है, 30 मिनट्स से भी ज्यादा लंबा मैच होगा तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो मेरे ख्याल जो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को बता दे तो मैंने क्या सोचा है, तो रोमन वर्सेस कोडी का मैच नॉर्मली चल रहा होगा और उसमें उसोस का भी इंटरफेयर होगा, सैमी ज़ेन का इंटरफेयर होगा। जैसे उसोस इंटरफेयर करेंगे उसके बाद केविन ओवंस और सैमी ज़ेन कोडी रोड्स को सेव करने आएंगे और यहाँ पे उनकी हो जाएगी ब्रॉल। होने के बाद उसोस और सैमी ज़ेन वो हो जाएंगे खिसकने के बाद गाइस रोमन रेंस को पीछे से कोडी रोड्स लगा देंगे 3 बार क्रॉस रोड्स, जो कि उनका सबसे तगड़ा फिनिशर है। रोमन रेंस को 3 बार क्रॉस रोड्स लगा देंगे जैसे सेथ रॉलिंस को लगा के उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद रोमन करेंगे 2.999999 पे किक आउट। उसके बाद जितने भी WWE के जो फैंस हैं उनमें केओस मच जाएगा और वो लोग अपनी जो फिंगर है वो खड़ी कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एक न्यूज तो बहुत ज्यादा भी चर्चे में चल रही है कि रैंडी ओटन से भी ज्यादा अभी रॉक के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। गाइस मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, ये अभी सोर्सेस का मानना है। निक खान ने भी अभी कुछ बात करी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि रेसलमेनिया को लेके बहुत बड़े सरप्राइज है। आप लोग जान सकते हो कि यार वो क्या सरप्राइज हो सकता है बड़ा। बिगी का रिटर्न तो नहीं हो सकता, या फिर और कोई जैसे रैंडी ओटन, वो भी एक रिटर्न है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। अभी बैटिंग ओट्स के हिसाब से गाइस रैंडी ओटन से भी ज्यादा, जो कि इतने समय से चल रहे कि उनका रिटर्न होगा, उनसे भी ज्यादा रॉक के रिटर्न की ज्यादा र्यूमर चल रही है। गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग बिल्कुल ही होप रख लो। गाइस अगर आप लोग ज्यादा होप रखोगे तो आप लोग मुझे ही आके गाली दोगे, रॉक तो आया नहीं भाई, तूने हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। तो गाइस लोगों बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि रॉक ऐसा आ सकते, लेकिन इसकी चांसेस मेरे को सबसे ज्यादा लगता है। अगर रॉक नहीं भी आएंगे तो रोमन रेंस मेरे ख्याल से टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि रोमन इस मैच को जीतने वाले, रोमन का टाइटल रेन इतना लंबा हो चुका है और रोमन के टाइटल रेन को खत्म करने के लिए गाइस एक बेस्ट स्टोरी लाइन चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोडी रोड्स डिजर्व नहीं करता, लेकिन वो इस टाइम पे डिजर्व नहीं करता क्योंकि रोमन रेंस का जो रेन है वो काफी बड़ा हो चुका है और उस टाइटल रेन को खत्म करने के लिए एक अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए। और आप लोगों को लगता है कि ये स्टोरी लाइन बिल्ड हो चुकी है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मैंने बिल्कुल सही बात बोली वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की प्रेडिक्शन की, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोग इस बंदे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम शाकिब है। आप लोग रिवर्सल वालों को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार फॉलो कर लो। आप लोग का भाई आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट लाते रहेगा ऐसे।